नमस्कार। राजस्थान कांग्रेस की गहलोत सरकार में अब आपसी घमासान इतना बढ़ चुका है कि इन कांग्रेसी नेताओं में सुलह करवाने के लिए दिल्ली से बड़े नेता बुलाए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस का आपसी घमासान मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी अब चरम सीमा पर है और बताया जा रहा है कि जल्द ही अशोक गहलोत की जो सीएम गद्दी है उस पर सचिन पायलट का ग्रहण लगने जा रहा है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्गी राजा को एक बड़ा झटका दिया था, उसी तरह से सिंधिया के बेस्ट फ्रेंड सचिन पायलट अब राजस्थान में अशोक गहलोत को बड़ा झटका देने जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से कांग्रेस में आपसी घमासान इतना बढ़ चुका है कि अब दिल्ली से कई बड़े नेता राजस्थान के जयपुर पहुंच चुके हैं और वहां वो अपने विधायकों को, अपने नेताओं को कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसी सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि हमारा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टोमी, इसी कहावत के दम पर बसपा के अंदर 6 विधायकों ने जीत हासिल की थी राजस्थान के अंदर। वो 6 के 6 विधायक पार्टी में बगावत के चलते कांग्रेस में चले गए थे, अशोक गहलोत ने उनको कांग्रेस में मिला लिया था। ऐसे में अब कांग्रेस के पास राजस्थान में 107 विधायक हो गए, 101 इनके खुद के थे, 6 विधायक बसपा से आ गए। जो बसपा से जो आए वो तो एक तरह से नैतिक काम था, संवैधानिक काम था, कांग्रेस में आए, और अब कांग्रेस के विधायक जब कांग्रेस को छोड़ करके आपसी कलह के कारण बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऐसे में अशोक गहलोत ने बीजेपी पर इस मामले को हॉर्स ट्रेडिंग का मामला बताया है। यानी कि बसपा के 6 विधायक जब कांग्रेस में आए वो तो एक संवैधानिक कार्य था, और कांग्रेस के विधायक जब बीजेपी में जा रहे हैं तो वो हॉर्स ट्रेडिंग है। और इसी को लेकर के अब गहलोत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी जो बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनके पीछे एसीबी की टीम लगा दी है, और साथ ही जो बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता हैं और जो विधायक हैं उनके फोन कॉल ट्रेस करवाए जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि बीजेपी और कांग्रेस के कौन से बड़े नेताओं के बीच में जो आपसी बातचीत है वो चल रही है। लेकिन इसको लेकर के अब एक बड़ी अपडेट ये है कि सचिन पायलट गहलोत सरकार पर अपना ग्रहण लगाने जा रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट गहलोत सरकार से काफी नाराज हैं, और इस नाराजगी की शुरुआत हुई थी विधानसभा चुनाव से ही। विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट का चेहरा राजस्थान की जनता को दिखा करके अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। उसके बाद कोटा के अंदर कुछ बच्चों की डेथ हो गई थी और उस पर जो गहलोत ने बयान दिया था कि बीजेपी की सरकार से कम डेथ अब की बार हुई है, इस बयान से सचिन पायलट को काफी गुस्सा आया और सचिन पायलट अशोक गहलोत पर खूब बरसे। और उसके बाद गहलोत ने सचिन पायलट पर तंज कसने के लिए कहा कि इन हॉस्पिटल्स के अंदर, यानी कोटा के अंदर जो हॉस्पिटल्स का निर्माण हुआ है उनका निर्माण ढंग से नहीं हुआ। और ये क्यों कहा? क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग है वो सचिन पायलट के पास है। इन बच्चों की मौत का पूरा ठीकरा अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के सिर फोड़ दिया। उसके बाद से ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में काफी ज्यादा नाराजगियां हैं वो सामने आई। राज्यसभा सीट पर 2 उम्मीदवारों को लेकर के भी जो गहलोत खेमे के विधायक और जो सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं वो आमने सामने हैं। केसी रेणुगोपाल जो राहुल गांधी के सलाहकार मंडल में शामिल हैं, उनको अशोक गहलोत ने राजस्थान में राज्यसभा सीट का चुनाव जिताने के लिए भेज दिया। यानी कि 2 सीटें कांग्रेस के हाथ आ सकती है, लेकिन एक जो बंदा भेजा गया है, कैंडिडेट भेजा गया है कांग्रेस का, वो राहुल गांधी का नजदीकी है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया था उसका कहीं ना कहीं जो फायदा उठा करके, या फिर बोल सकते हैं कि उसका जो वापिस करने के लिए अशोक गहलोत ने केसी रेणुगोपाल को राज्यसभा भेजने के लिए राजस्थान में 1 सीट उनको सौंप दी। दूसरी सीट नीरज डांगी नाम के एक उम्मीदवार है कांग्रेस के, जो नेता है कांग्रेस के, लेकिन 2-3 बार पहले विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, अब राज्यसभा के लिए भी उनको चुना गया है। क्यों उनको टिकट क्यों मिली है? क्योंकि वो अशोक गहलोत के काफी नजदीकी हैं। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने वाली है, लेकिन सचिन पायलट के हाथ इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसे में सचिन पायलट खेमे के विधायक अशोक गहलोत से काफी नाराज हैं, और वो नीरज डांगी और केसी रेणुगोपाल दोनों से ही काफी नाराज हैं। इन दोनों को ही राज्यसभा नहीं भेजना चाहते हैं, इसलिए फिलहाल जो कांग्रेस के अंदर क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है अशोक गहलोत को, और उसी को चलते उन्होंने अपने सभी 107 विधायकों को एक रिसोर्ट में
ठहराया है, उनको नजरबंद कर दिया ताकि बीजेपी के किसी भी नेता से उनका संपर्क ना हो। बसपा के 6 विधायक जब बसपा छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए तो वो एक नैतिक काम, लेकिन अब अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि 25-25 करोड़ रुपए में हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है, यानी कि खुद ने जो बसपा से विधायक खरीदे उनका कोई मतलब नहीं, और जो अब आपसी कलह के कारण कांग्रेस के कई विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना चाहते हैं उनको डायरेक्ट सीधे तौर पर बिका हुआ बता रहे हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि सचिन पायलट एक बड़ा झटका देने के लिए मजबूर हो गए हैं और सिंधिया के इशारे पर सचिन पायलट अब कभी भी बीजेपी में जा सकते हैं, और फिलहाल जो रिसोर्ट्स के अंदर 107 विधायक ठहराए गए हैं उससे स्पष्ट हो रहा है, संकेत मिल रहा है कि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी जो इनके विधायकों को रिसोर्ट्स में ठहराया जा रहा है तो बिल्कुल दाल में कुछ काला है। और 107 विधायक इनके पास मौजूद हैं, 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है राजस्थान में, 3 में से जो 51-51 वोटों की जरूरत है वो विधायकों की पड़ेगी, और 3 सीटों के लिए 51 वोटों की जरूरत पड़े तो 2 सीटों पर कब्जा करने के लिए कांग्रेस के पास 107 विधायक है, यानी 102 विधायकों की जरूरत है, 107 विधायक उनके पास मौजूद है। बीजेपी के पास बेहतर है खुद के 3 जो दूसरी पार्टी के समर्थन है 75 विधायक बीजेपी के पास है, तो निश्चित है कि बीजेपी एक ही राज्यसभा सीट पर जीत हासिल कर पाएगी। लेकिन बीजेपी ने यहाँ दूसरा उम्मीदवार भी उतार दिया है, 3 राज्यसभा सीटों के लिए 4 उम्मीदवार फिलहाल राजस्थान की राज्यसभा चुनावी रण में मौजूद हैं, और इसी जो दूसरे बीजेपी के उम्मीदवार को उतारा गया है इसी को जिताने के लिए अब कहीं ना कहीं सचिन पायलट केसी रणुगोपाल से नाराज चलकर और नीरज डांगी से नाराज चलकर अशोक गहलोत से नाराज चलकर वो इसकी क्रॉस वोटिंग है वो बीजेपी के विधायक को करवाना चाहते हैं, बीजेपी के उम्मीदवार को करवाना चाहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो खिचड़ी है वो जरूर पकड़ रही है कि बीजेपी का दूसरा विधायक जो वोट नहीं होने के बावजूद भी जो मैदान में उतारा है तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी जरूर पकी है सचिन पायलट और बीजेपी के बीच में। इसी को लेकर के अब अशोक गहलोत ने एसीबी की टीम बीजेपी के ऊपर लगा दी है, बीजेपी के पीछे लगा दी है, जल्दी बीजेपी के नेताओं के घर में छापेमारी होगी, उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जाएगा, और साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के सभी नेता सभी विधायकों के कॉल भी ट्रेस करवा रहे हैं अशोक गहलोत, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि किसके बीच में खिचड़ी है वो पक रही है। लेकिन अब अशोक गहलोत की सरकार गिरना तय हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस में आपसी सुलह अशोक गहलोत नहीं करवा पाए, इसलिए दिल्ली से अशोक गहलोत ने कई बड़े कांग्रेसी नेताओं को बुलाया है, जिसमें पहला नाम है रणदीप सुरजेवाले का। जी हाँ दोस्तों, रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस के अशोक गहलोत ने बुलाया है ताकि वो सचिन पायलट को कहीं ना कहीं मना सके और सचिन पायलट खेमे के विधायकों को कांग्रेस के लिए वोट करने के लिए राजी कर सके। और ये जो सचिन पायलट की तरफ से जो इशारा किया गया है वो बिल्कुल स्पष्ट संकेत दे रहा है, क्योंकि रिसोर्ट के बाहर सचिन पायलट ने आज मीडिया में आकर के इस हॉर्स ट्रेडिंग वाले आरोप का जवाब देते हुए कहा था कि जब तक पुख्ता सबूत ना हो तब तक इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए, यानी कि कन्फर्म है सचिन पायलट हॉर्स ट्रेडिंग के जो अशोक गहलोत के आरोप है उनको खारिज करते हैं। सचिन पायलट ने स्पष्ट कह दिया है कि जब तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत ना हो कोई तथ्य ना हो तब तक इस तरह की बात कहना गलत है, यानी कि अशोक गहलोत का भी समर्थन वो नहीं कर रहे हैं। और 5-7 दिन पहले भी अशोक गहलोत ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि कुछ जो युवा नेता पार्टी में आकर के आते ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं आते ही वो गद्दी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनकी रगड़ाई करनी चाहिए, यानी कि युवा नेताओं की रगड़ाई करना जरूरी है, इस तरह की बात अशोक गहलोत की तरफ से कही गई, जिसमें सचिन पायलट का नाम तो नहीं लिया गया लेकिन स्पष्ट संकेत उनका सचिन पायलट की तरफ था। और अशोक गहलोत ने यह भी बताया कि मुझे 30-40 साल हो गए कांग्रेस में सेवा देते हुए, तब जाकर के मैं मुख्यमंत्री गद्दी के लायक हुआ हूं। ऐसे में जो युवा नेता आते हैं, अहमद पटेल का नाम उन्होंने जरूर लिया था, 1-2 अन्य नेताओं के नाम भी उन्होंने लिए थे, उनकी रगड़ाई करना जरूरी है, यानी कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट पर यह निशाना जो अशोक गहलोत की तरफ से साधा गया था
इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले बताया जा रहा था कि महाराष्ट्र में कमल खिलेगा पहले, लेकिन अब बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के साथ साथ राजस्थान में भी कमल खिलने जा रहा है। 19 जून से पहले पहले सिंधिया के सबसे बेस्ट फ्रेंड जो नजदीकी माने जाते हैं सचिन पायलट, वो सिंधिया के इशारे पर कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकते हैं। रणदीप सुरजेवाला किस तरह से सुलह करा पाएंगे कांग्रेसी नेताओं में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल 107 जो पूर्ण बहुमत है कांग्रेस के पास, उसके बावजूद भी कांग्रेस में ही दूसरी सीट के लिए हड़कंप मचा हुआ है। क्रॉस वोटिंग का डर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को सता रहा है, और इसका पूरा पूरा जो एक तरह से इस कलह का पूरा जो श्रेय है वो अशोक गहलोत को ही जाएगा। पूरा का पूरा ठीकरा अशोक गहलोत और राहुल गांधी पर फूटने वाला है, क्योंकि सचिन पायलट के इशारे पर एक भी राज्यसभा की सीट नहीं दी गई है। नीरज डांगी जो अशोक गहलोत के काफी नजदीक है, इस वजह से वो पिछले 2 बार विधानसभा चुनाव भी हार चुके हैं, तब भी उनको सीट टिकट मिल गई पार्टी की। अब राज्यसभा की तरफ से भी उनको टिकट मिल गई, और जो कैसी रेणुगोपाल हैं वो राहुल गांधी के सलाहकार मंडल हैं, राजस्थान के नहीं हैं। ऐसे में वो उनको राज्यसभा भेजना भी सचिन पायलट खेमे को रास नहीं आ रहा है। यानी कि सचिन पायलट को डिप्टी सीएम का पद तो जरूर दे दिया गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी के विभाग के भी सारे के सारे जो एक तरह से माना जा सकता है कि जो उनके पास पावर थे वो सभी के सभी उनसे छीन लिए गए, जब उन्होंने कोटा के जो बच्चों की जो डेथ पर बयान दिया था उसके बाद से ही अशोक गहलोत ने सचिन पायलट से उनके सारे के सारे हथकंडे हैं वो अपने हाथ में ले लिए। कुल मिलाकर के सचिन पायलट इस बात से बिल्कुल खफा हैं, और आने वाले समय में कहा जा सकता है कि राज्यसभा चुनाव के बाद या राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका सचिन पायलट अशोक गहलोत की सरकार को देने जा रहे हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं राहुल गांधी के प्रति भी सचिन पायलट की नाराजगी है, क्योंकि विधानसभा का पूरा चुनाव राजस्थान में कांग्रेस ने जो सचिन पायलट के नाम पर लड़ा था, सचिन पायलट के चेहरे पर लड़ा था, एक युवा नेता के नाम पर लड़ा था, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं करप्शन को जन्म देने के लिए जो एक तरह से जो पुराने खिलाड़ी हैं कांग्रेस के अशोक गहलोत, उनको मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा दिया गया। वैसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 108 एम्बुलेंस के जो घोटाले के अंदर शामिल हैं, 108 एम्बुलेंस खरीद घोटाले में अशोक गहलोत को अभी ईडी है वो शिकंजे में लेने वाली है, और ऐसे घोटालेबाज नेता को राजस्थान का मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से बना दिया गया, जो सचिन पायलट और सचिन पायलट खेमे के विधायकों को कतई रास नहीं आया, और बड़ा झटका अब कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की सरकार को सचिन पायलट देने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 33 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो सचिन पायलट खेमे में है, और उनको कहीं ना कहीं सचिन पायलट हैं वो बीजेपी में लेकर जाना चाहते हैं, और दूसरी सीट पर बीजेपी का चुनाव लड़ना इस बात का संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट और बीजेपी के बीच में कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक्की है। और यही डर है, यही कारण है कि अशोक गहलोत ने एसीबी की टीम भी अब बीजेपी के नेताओं के पीछे लगा दी है, और साथ ही इनकी कॉल ट्रेसिंग भी की जा रही है। यानी कि बसपा की तरफ से जब 6 विधायकों को कांग्रेस में लाया गया वो एक संवैधानिक काम था, और अब कांग्रेस के आपसी कलह के कारण कांग्रेस के कई विधायक कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, तो निश्चित है कि ये असंवैधानिक है जो गहलोत की तरफ से। तभी मैंने बताया था कि आपको एक कहावत जो हमारा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी, ये कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पर स्टिक बैठती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सचिन पायलट क्या कमल खिला सकते हैं राजस्थान में, और क्या राज्यसभा सीटों के लिए सचिन पायलट खेमे के 33 विधायक कहीं ना कहीं बीजेपी को क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। आपके द्वारा इस वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।